घुमाओ ना नहीं के घुमाओ हाई पासा घुमाओ ना अंदर। अभी हम इस वक्त सुंजमा में मौजूद है और आपको बता दें मेरे पीछे ये टंकी देख सकते हैं, एक वाटर टैंक है और जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है। हम आपको बता दें इस टंकी के अंदर एक घोड़ा जो नीचे गिर चुका है और कुछ ही देर पहले ये घोड़ा इस टंकी के अंदर गिरता है और उसके बाद अभी थोड़ी देर में इस घोड़े की जान चली जाती है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, लोगों से ये अपील की जाती है कि अगर आप लोग मकान बना रहे हैं, अगर आप लोगों के पास मकान बनाने के लिए पैसा है और कृपया करके ये जो इसका ढक्कन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार का इसके ऊपर ढक्कन जो लगेगा, आप उस ढक्कन को ज़रूर लगाएं। आज एक घोड़े की जान गई है, ना जाने और भी किसी की जान जा सकती है। हर जगह हर मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इस टैंकी के अंदर बच्चे भी गिर सकते हैं और किसी बच्चे की भी जान जा सकती है। आपको बता दें एक घोड़ा यहाँ पर गिरा है इस टैंकी के अंदर, ये सामने दिख रही है, इसके ऊपर कोई ऐसा कवर नहीं है कुछ भी। और आपको अगर दिखा दें, एक साथ में एक और मकान है, ये साथ में मकान भी देख सकते हैं, यहाँ भी पूरी तरह से ये टंकी जो है ओपन है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दिया जाता है, आप जनता के से ये अपील है कि अगर आप लोग मकान बना रहे हैं और ये टंकियाँ जो हैं उनको ओपन ना छोड़ें। और यहाँ पर इस घर में फ़िलहाल कोई भी नहीं रहता है, लेकिन टंकी जो है वो ओपन है। टंकी ओपन की वजह से जो घोड़ा बीच में गिरा है और घोड़े की जो जान चली गई, यहाँ पर जो जिन्होंने इस घोड़े को देखा है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? जनाब मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ हुआ। ये कब हुआ, ये घोड़ा कब ये गिरा? अभी कोई 10 मिनट पहले हुआ है। तो जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग सारे बंदे आए यहाँ पे देखने के लिए, तब तक घोड़े की जान जा चुकी थी। तो मकान मालिकों से ये अपील है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस मोहल्ले में, क्या पता वो बच्चे गिर जाए, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने टंकियों को संभालें, थोड़ी उनको सुधार करें। मतलब घोड़ा घोड़ा इतना बड़ा है कि अगर आप लोग निकालने की कोशिश भी करते तो नहीं निकलता। ये नहीं निकलता, ये इतना बड़ा घोड़ा है कि ये नहीं निकलेगा। ना जाने किस गरीब का ये घोड़ा होगा, जिस गरीब का भी होगा तो उसका नुकसान ही हुआ है ना, तो अगले का नुकसान ना करें बल्कि अपना सामान को खुद सुरक्षित करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज ये घोड़ा गिरा है और यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी रहते हैं, बच्चे गिर जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो मकान बना के चले गए, बच्चे गिरे घोड़ा गिरे कोई भी गिरे उससे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने भी कोशिश की होगी इसको बचाने की? हम तो कोशिश किए पर वो बच नहीं पाया, वो तो निकलने वाला है नहीं, ऐसे निकलेगा ही नहीं, वो नहीं निकलेगा, वो मर चुका है, उसकी गर्दन टूट चुकी है पूरी तरह, तो इसलिए वो नहीं निकल पाया। तो देख सकते हैं ये व्यक्ति थे जहाँ पर इन्होंने कहा है, इनके जो इनको पता चला है कि ये टंकी में जो घोड़ा घुसा है, इन्होंने जो मोहल्ले वाले हैं उनको बुलाया है, लेकिन निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकलना नामुमकिन था। घोड़ा इतना बड़ा है और जो इसका ऊपर होल है वो इतना छोटा है, और जब उसके अंदर गिर गया और वो तड़फ तड़फ कर उस घोड़े की जान चली गई। लेकिन लोगों से फिर अपील करना चाहेंगे कि अगर आप लोग मकान बना रहे हैं और इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं, 2 से 3 हज़ार रुपये सिर्फ लगेगा, इसका जो ढक्कन है वो कृपया करके लगा दीजिए। आज एक घोड़े की जान गई है और कल को किसी इंसान की, किसी बच्चे की भी जान जा सकती है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए देखते हैं दावर।